नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्डो पर 2015 में हुए घातक हमले का ट्रायल बुधवार से पेरिस के कोर्ट में शुरू हो रहा है। 5 साल की जांच के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण देर से हो रही सुनवाई में 14 संदिग्धों की पेशी हो गई, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इस घटना में पुलिस अधिकारियों और सुपरमार्केट पर 3 दिन तक हमला चला था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें फ्रांस के लीडिंग कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। आज पहली बार इस भयावह हमले के आरोपी और पीड़ित परिवार आमने सामने होंगे। पैगंबर मोहम्मद के जिस कार्टून को लेकर ये हमला हुआ था, हेब्दो ने वही बुधवार को फिर से छापने का फैसला भी किया। फ्रांस के इतिहास में ये दुर्लभ मौका होगा जब सुनवाई की फिल्मिंग की जाएगी। इसके पीछे न्यायिक अहमियत और भावनात्मक तूफान एक कारण है। इस हमले को राष्ट्रीय और इतिहास में एक बड़ी आतंकी घटना करार दिया गया है। 11 जनवरी को ही करीब 20 लाख लोग पेरिस में एक मार्च के लिए मिले थे। शार्ली हेब्दो पहले भी अपने धार्मिक और राजनीतिक स्टैंड के लिए विवादों के घेरे में रहा है। 2011 में भी पैगंबर मोहम्मद के साथ टाइटल शरिया हेब्दो लिखा गया था और तब भी इसके दफ्तर पर हमला किया गया था। मैगजीन के डायरेक्टर लॉरेंस सिरूसी ने कार्टून के साथ छपने वाले संपादकीय में कहा है, हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगले कुछ महीनों में इन आरोपियों की पेशी कड़ी सुरक्षा में उत्तर पूर्व पेरिस के कोर्ट हाउस में होगी। संदिग्धों पर ट्रायल आतंकी हमले में मदद के लिए किया जाएगा। इसमें हथियारों की सप्लाई और 3 जिहादियों को वित्तीय मदद देना शामिल है। 3 जिहादियों को हमले के फौरन बाद मार दिया गया था। मैगजीन के कवर में सबसे पहले 2005 में डेनमार्क के अखबार जायलेंस पोस्टन में छपा कार्टून दिख रहा है। इसी को 2006 में शार्ली ने छापा था। इस कवर का सेंट्रल कार्टून जीन कैबेट ने बनाया था, जिनकी हमले में हत्या कर दी गई थी। फ्रंट पेज की हेडलाइन पर लिखा भी यही गया है, ऑल ऑफ दैट जस्ट फॉर दिस। 7 जनवरी 2015 को सैद और शेरिफ क्वाची ने शार्ली शब्दों के पेरिस ऑफिस में 9 पत्रकारों, 1 मेंटेनेंस वर्कर और 2 पुलिस वालों को मार दिया था। 2 दिन बाद अमेदी कालीबली कोशर सुपरमार्केट में 4 लोगों को मार दिया था और कईयों को बंदी बना लिया था। 9 जनवरी में पुलिस शूटिंग में 3 की मौत हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।